खान साहब कहाँ रह गए? गुफ्तगु कर रहे होंगे। गुफ्तगु उर्दू। सर देख मैं तेरे लिए क्या लाई, मार्केट गई थी ना, देख कितना अच्छा कलर। अरे अभी तो ये लिया था, फिर से नहीं तो क्या, आसान के टाइम पे पहन लिया कर। सुन अब अल्लाह जब ऊपर से नीचे देखेगा तो कैसे पता चलेगा उनका आयु है कहाँ। हाँ अल्लाह के पास इतना टाइम है ना कि नीचे आयुब को ढूंढेगा कि आयुब कहाँ है। वैसे भी अल्लाह को दिल में रखते हैं यार, दिखाने की क्या जरूरत। ओहो और जो तेरे व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, आम सो लोनली, आम सो हैप्पी, हाँ ठीक है, बस ठीक है, दिखाना तब नहीं होता। मेरे अब्बू नहीं जीते, मैं क्या जीतूंगा। अच्छा सुनो पैसे दे दो प्लीज, थोड़े कॉलेज जाना है ना। अम्मी का काम एक ही है, खाना बनाना और पैसे देना है ना। अरे देखना। अरे वाह राम राम भाई। अरे लोंडे, अरे दूध पी। धन्यवाद यार, यही पीने लायक है। पतला हो गया बेचारा, पतला नहीं फिट है यार भाई। ये जो मियाँ जी निकले ना अभी, कौन ये पीछे, ये ऑपोजिशन के लिए काफी काम कर रहे हैं। कहो तो बुलाऊं? जा बुला के ला इसको। जी आप, हमारे बड़े भाई आपसे मिलना चाहते हैं। आइए। जरूर आइए। क्या हो रहा है? मिलेगा कुछ, चिंता मत। सलाम वालेकुम विक्रम भाई। नमस्ते। नमस्ते। मेरे को कैसे जानते हो? विक्रम भाई नेता और अभिनेता को कौन नहीं जानता। नाम क्या तुम्हारा? आयुब खान भाईजान। देख आयुब, मेरे को बार बार भाई मत बोल, हर किसी को भाई नहीं बनाता मैं, ठीक है? इलेक्शन में क्या कर रहा है? जी अभी तो कुछ नहीं। अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा ओपोजिशन को? ये तो सिर्फ अफवाहें हैं, इलेक्शन से तो मैं काफ़ी दूर रहता हूँ। सोच लो, भाई को झूठ पसंद नहीं है। हमारे लिए काम करोगे? ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पर अभी तो मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, क्लास के बाद बात करते हैं। को लगता है काम करेगा हमारे लिए भाई? देखते हैं। बोल भाई, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, इस पे इतना विश्वास मत करो आप। वो सब छोड़, अभी एक काम करते हैं, कल के बारे में सबको बताते हैं जाके, ठीक है? ये सब बाद में देखेंगे। जी भाई। एक्सक्यूज मी, मैं विक्रम इस साल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कल आप सब लोग कॉमन एरिया में आए और मुझे अपना सपोर्ट दें। फिर से इलेक्शन? यार इस इलेक्शन की वजह से तो हमारा पूरा सेमेस्टर ही ऐसे निकल जाएगा। भाई तुझे क्या दिक्कत हो रही है? देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कल हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो हम में से कोई भी मिस नहीं करना चाहता। भैया ये मियाँ ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, मैं बता रहा हूँ ये ऑपोजिशन की कोई गेम है। ओ भाई क्या गुजर बुजुर्ग। देखिए बात ऐसी है कि हम में से कोई भी कल वहाँ नहीं आना चाहता है, इसलिए आप यहाँ से निकलिए। तेरी तो ओ भाई, रोए भाई, निकल यहाँ से, चल। अबे है कौन ये, औकात है इसकी? साला अपनी बात से पलट रहा है। अभी भाई इलेक्शन का टाइम है, अभी लड़ नहीं सकते। अबे भाड़ में इलेक्शन साले, इसके मुंह तोड़ दूंगा मैं। अरे ऐसे कैसे, बाद में देख लेंगे, अभी इलेक्शन खत्म होने दे भाई, अभी थोड़े शांत हो जा। साला पूरी क्लास के साथ है, कुछ करना पड़ेगा इसका भाई। इसका इसका बाद में देखेंगे, ठीक है? जी भाई वो काम है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई।
इसको मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ इसको। आ गए। अरे आपने बुलाया था, आना तो था ही भैया। कैंपेनिंग कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है भैया। मैंने सुना आज कॉलेज में कुछ लफड़ा हो गया था। लफड़ा तो कुछ नहीं हुआ भैया। तो फिर ये आयुब कौन है? अरे आयुब इधर आओ, ये अपने इस्माइल चाचा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चे, और आजकल क्या चल रहा है? जी कुछ नहीं, अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ कॉलेज के बस। अरे बस ये अपने भाई की तरह कुछ कर ले। अरे छोड़ो ना खान साहब, ये किसके हैं, इनके लिए तो कोई कुछ सोचना ही बिल्कुल गलत है। बेटा राजनीति करनी है तो सर्कस में काम करना बंद कर दो अब, ये दीमक के कीड़े हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। अरे चाचा तो फिर अपना है कौन, वो जिन्होंने इस मुल्क के टुकड़े कर दिए या फिर वो जिन्होंने हमें अपना बना कर रखा? खैर अबू मैं चलता हूँ। फंड चाहिए? मिल जाएगा, लेकिन ये आयुब वायुब देख लो क्या करना है। ठीक है लगा दे। हाँ भाई हर जगह लगाइए। जी जा बोलो तो कैसे। और वो तो दे रहा वो सबमिट हो गया। हाँ वो असाइनमेंट सारे क्लास में तो सोता रहता है। अरे किसी को भी करके किया था। अस्सलाम वालेकुम टीचर भैया। टीवी लगाओ न्यूज न्यूज। अरे खुशी तेरी मोड़ दे यार, न्यूज लगा। ओ भाई यार जल्दी कर यार, बड़े हैं तेरे से, तमीज से थोड़ा। देखा भाई साले ने यहाँ भी राजनीति अपनी शुरू कर दी है। रहने दो ये है रिमोट। दोपहर 3:37 का वक्त था जब फिदाइन आतंकी ने सीआरपीएफ की इस बस को निशाना बनाया। कार बम का इस्तेमाल करने वाले इस आतंकी का नाम है आदिल अहमद उर्फ वखा। ये हमला इस साल का सबसे बड़ा हमला ही नहीं है, उरी से बड़ा हमला था। उरी में 19 जवान हमारे शहीद हुए थे और यहाँ ये आंकड़ा अब तक 30 पहुंच गया है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि तो साले पहले हमारे जवान मारते हो और फिर ये नाटक करते हो। भाई भाई आज मत रोको मुझे, साला ओपोजिशन की गेम है भाई, पूरा हर वक्त यही करता रहता है ये सारे वोट दिलाने के। भाई बहुत गलत हुआ ये। आज तो हाथ ही उठा दिया इसने। ए! अबे छुपके मारते हैं साले, हमारे जवानों के सामने खड़े होने की औकात नहीं इनकी। भाई अगर ये छुपके मारते हैं ना तो हम खुले में वार करेंगे। मुझे इस आयुब का घर पता है, कहो तो आज रात ही
तू लड़के जमा कर। जी भाई। कर। जी भाई। चलो चलो। आयुब इसी आपके वाली गली। आयुब बाहर निकल। कबर जरीना, जरीना। क्या हुआ? कुछ लोग आयुब का नाम लेते हुए हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। कौन है वो लोग? पता नहीं कौन है, इतने बड़े बड़े डंडे लिए हुए उन्होंने हाथ में। आयुब कहाँ है? आयुब? आयुब? हम। कौन है ये लोग और क्या चाहते हैं तुमसे? अरे वो कॉलेज में। तू अंदर रह, हम लोग बात कर लेते हैं ना। आप लोग रुको, मैं उनसे अब बात करके आता हूँ एक बार। आयुब, भीड़ की ना शक्ल होती है ना कान। एक बार तू तू चल अंदर। बात तो तू अंदर चल मेरे साथ, चल अंदर। आयुब का? हाँ बेटा, क्या हुआ है? हाँ अरे बात तो बताओ। जाकर लेकर आओ। नहीं अरे बात कर लेते हैं। बताते हैं। तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो? आओ अंकल मैं बताता हूँ। बताते हैं। अरे क्या बदतमीजी है? भाई भाई छोड़ो वाले। ए साले मेरी बात तो सुन एक बार। आयुब तू ठीक है बेटा? ये फोटो, ये मेरा बड़ा बेटा है कैप्टन तौफीक खान, अपने वतन की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। पर इसके साथ वरुण क्या कर रहा है फोटो में? ये तो मेरे बेटे का बहुत खास दोस्त था, इसी को तो बचाते हुए तौफीक शहीद हुआ था। बेटा बेटा क्या तुम इसे जानते हो? वो मेरा भाई है। आ रहे हैं, मौका दिया करो दरवाजा खोलने का। आगे बेटे। अरे आ गया तू? रेडी हो गया? चल चल। नहीं नहीं एक मिनट। हाँ एक मिनट। क्या हुआ? ये लेके जा। हाँ कोई बात नहीं, इकट्ठा बैठ के खा लेना, थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं खा लेना। ठीक है? इसका खाना कम पड़ गया। और साथ साथ रहना ठीक है, तौफीक और वरुण की जैसे। और मौका मिले तो सिर्फ बाहर भी कटवा लेना।